बिस्मिल्लाह अर्रहमान अर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। ये पहाड़ी सिलसिलों की तीसरी वीडियो, आज का टॉपिक है बलूचिस्तान प्लेट्यू और पोटवार प्लेट्यू। देखिए, जो बलूचिस्तान प्लेट्यू है ये बहुत से बंजर यानी बैरन पहाड़ी सिलसिलों पर मुश्तमिल है और इसकी जो हाइट है वो तकरीबन 600 मीटर से 3010 मीटर तक बुलंद है। इनमें मिनरल्स बहुत ज़्यादा हैं, जैसे गोल्ड है, कॉपर है और सल्फर है। उसके बाद है शमाली बलूचिस्तान के बेसिन्स। देखिए, इसके बहुत से इरेगुलर डिप्रेशन हैं, जैसे जोब है, लोरालाई बेसिन्स हैं। लोरालाई के जनूब मगरिब में फिर वादी क्वेटा है, यहाँ बारिश कम होती है, दरिया यहाँ पर बड़े तंग रास्ते बना के गुजर जाते हैं और रेत और सिल्ट में जाते हुए फिर ग्रावल यानी बजरी वगैरह और बाउल्डर यानी बड़े पत्थर भी ऐड कर देते हैं। उसके बाद है मगरबी बलूचिस्तान के बेसिन्स। इनमें वेजिटेशन बहुत कम है, बारिश बहुत कम होती है, यहाँ से समुंदर तक कोई आउटलेट नहीं। इसे जब बारिश होती है तो पानी या तो मैदानों से चूस लेते सक कर लेते हैं या फिर आर्जी झीलों में इकट्ठा हो जाता है, तो आर्जी तो पे झीलें बनाई जाती हैं लेक्स। इन्हें इनलैंड ड्रेनेज बेसिन भी कहा जाता है, मकामी ज़ुबान में इन झीलों को ह्यूमंस कहा जाता है। ये नमक की लेक्स हैं, जब पानी इवेपोरेट हो जाता है तो अपना नमक पीछे छोड़ जाता है, इसलिए इन झीलों को हम सॉल्ट पैन भी कहते हैं। अच्छा, उसके बाद है कोस्टल एरियाज। बलूचिस्तान के प्लेट्यू के साहली इलाकों को मशरकी और मगरब हिस्सों में तकसीम किया जाता है, कोस्टल कहते हैं साहली इलाके। मशरकी हिस्सा लसबेला प्लेन पर मुश्तमिल है जिसमें रेत के टीले हैं और मगरब हिस्सों को मकरान कोस्ट कहते हैं। इसके अहम दरिया हब, पुराली, हिंगर और डेस्ट हैं। बलूचिस्तान में आबादी बहुत कम है, यानी फी मुरब्बा किलोमीटर सिर्फ 10 अफराद है। बलूचिस्तान में पानी की छोटी छोटी पानी की स्कीमें बनी हुई हैं, मसलन जैसे कारेज है, चैनल्स है, ट्यूबवेल्स हैं। यहाँ फसलें काश्त की जाती है, मवेशी पाले जाते हैं। 67% काश्तकारी करते हैं लोग। इसकी सालाना इनकम केपीके और सिंध से भी ज़्यादा है। यहाँ कोयलों की माइंस हैं, यहाँ क्रूड ऑयल और कुदरती गैस के ज़खायर हैं। इसके अहम फल खजूरें, अंगूर, सेब, बादाम, खुबानी, आड़ू, खरबूजे और अनार हैं। ये सब फल फिर जो खलीज की रियासतें हैं, अरब कंट्रीज़ वगैरह, उनको एक्सपोर्ट किए जाते हैं। यहाँ ग्वादर, पिसनी और अरमारा बंदरगाहें जहाँ से मछलियाँ पकड़ी जाती हैं और 30% यूरोपियन ममालिक को भेजी जाती हैं और भेड़ बकरियों से भी यहाँ से प्रोडक्ट ली जाती हैं। ग्वादर में डीप सी पोर्ट डिवेलप किया जा रहा है। मनसूबा यह है कि 100 बर्थ का एक कंटेनर शिप बनाए जो सालाना 400 मिलियन कार्गो ले जा सके। अब मैं आता हूँ पोटवार प्लेटो और सॉल्ट रेंज। यह इस्लामाबाद के साउथ में है, दरिया सिंध और दरिया जेहलम के दरमियान में ये खुली जगह और एक्सटेंसिव फ्लैट एरियाज हैं। इसकी जो एवरेज हाइट है वो 300 से 600 मीटर है। काला चिट्टा और खैरी मुराद 1000 मीटर तक बुलंद है और लेकिन ये चूँकि पानी मुसलसल बहरा होता है, इसलिए इस पानी ने इसको इरोड भी कर दिया। इरोड तो ऊपर से सारा कट फट गया। इसे बैड लैंड टोपोग्राफी भी कहा जाता है, यानी इसमें रिजेस हैं यानी चट्टाने हैं, रेवीन्स हैं यानी खाइयाँ हैं और ट्रफ्स हैं यानी पॉन्ड्स वगैरह, तो इनकी सरजमीन भी इसको कहा जाता है। अच्छा, दरिया स्वान इस इलाके का अहम तरीन दरिया है। इस प्लेट्यू में मिनरल्स बहुत है, जैसे सॉल्ट है, रॉक है, जिप्सम है, लाइमस्टोन है, कोल है, ऑयल है। अब मैं आता हूँ सॉल्ट रेंज। देखिए, जेहलम, चकवाल, कालाबाग और मियांवाली के इजला सॉल्ट रेंज के रहते हैं। इस्लामाबाद से अब 160 किलोमीटर दूर खियोड़ा के मकाम पर नमक की कान है। इस रेंज की जो हाइट है वो 750 से 900 मीटर है। सबसे ऊंची चोटी सेक्सर पीक के रहती है जो 1527 यानी 1527 मीटर बुलंद है। दरियाओं ने इन्हें भी इरोड कर दिया, इस इलाकों को भी। इस इलाके में मार्बल, चूने का पत्थर, चट्टानी नमक, डोलोमाइट, सोपस्टोन पाए जाते हैं। तेल गैस के फील्ड्स भी यहाँ हैं, इसके लिए अटक आयल रिफाइनरी भी कायम की गई है। ज़रात का इन्हसार बारिश पर है, गंदम, मकई, बार्ली और चने काश किए जाते हैं, लेकिन अब ये इलाके आहिस्ता आहिस्ता तरक्की कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।